तो लास्ट वाली आर्प की वीडियो में हमने देखा था कि जो आपकी फॉरवर्डिंग है, जो आपका आईपी डेटा ऑपरेशंस है, जो आर्प का प्रोसेस था ना, वो कैसे हो रहा था आपका? जो आपकी आईपी है, थ्रू आउट कम्युनिकेशन प्रोसेस सोर्स आईपी नहीं बदलती, डेस्टिनेशन आईपी नहीं बदलती, लेकिन जो आपका मैक था वो पर हॉप पे बदलता है। चलिए, अब वहीं पे हमने एक और चीज अगर आपने नोटिस किया, मैंने उसको एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं दी थी, पर ये फॉरवर्डिंग भी मैंने डिस्कस कर ली थी काइंड ऑफ। कैसे कि आपके राउटर के पास जब भी कोई रिक्वेस्ट आई थी तो उसको आगे डेटा फॉरवर्ड करना था। मान लो मेरे को कहाँ पे जाना था, 40 के रूट पे, और 40 पे जाने के लिए आपको डेटा फॉरवर्ड कहाँ करना था एक्चुअली, उस आईपी पे, नेक्स्ट हॉप आईपी पे। मान लो ये 20.2 था, उसके लिए आपको क्या था, दोबारा से आर्प करना पड़ रहा था। ये खुद का सोर्स मैक ये लगा के भेजता था, डेस्टिनेशन मैक ये वाला लगा के। तो ये एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, राउटिंग तो सिर्फ एक वो लॉजिकल पार्ट है, लेयर 3 का पार्ट है, जब आपने इसको 40 के रूट के बारे में बता दिया, चाहे वो एसपीएफ से बताया हो, चाहे स्टैटिक रूट से बताया हो, व्हाटएवर। पर अब देखोगे एक्चुअल डेटा भेजना तो इस लिंक से ही है ना, फिजिकल। और लिंक से पहले कौन सी लेयर आती है, डेटा लिंक लेयर, उसका एड्रेस कौन सा यूज होता है आपका, मैक एड्रेस। तो अब ये तो मैक एड्रेस आपको ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए आर्प करना पड़ेगा। तो ये होता है एक्चुअल पैकेट फॉरवर्डिंग। एक तो था पैकेट राउटिंग कि भाई पैकेट को रूट करवाना था आपको, 40 तक जाना था, तो हो सकता है कि आप इस राउटर से भी जाते, हो सकता है आप इस राउटर से भी जाते, या आपका पाथ लंबा पड़ता, आपको हो सकता है इनएफिशियंट पाथ होता, ऊपर वाला बहुत बेहतर पाथ होता, पर ये अवेलेबल पाथ है तो आप इसी को यूज कर रहे हो, फिलहाल मैंने मान लिया। तो बहुत सारे रास्तों में से एक बेहतर आपने रास्ता कॉन्फिगर कर दिया, या राउटर ने चुन चुन लिया, वो आता राउटिंग, वो हो गई है राउटिंग कर दी आपके पास। अब एक एक्चुअल आपको लिंक मिल गया कि भाई आपको इस लिंक से नहीं जाना, इस लिंक से नहीं जाना, इस वाले लिंक से आपको जाना है। अब उस लिंक पे एक्चुअल डेटा फॉरवर्ड करना, फ्रेम फॉरवर्ड करना, वो क्या कहलाता है, फॉरवर्डिंग, कि आपको खुद का मैक, सामने वाले का मैक और वो सारी चीजें। तो आप याद रखिएगा कि स्विचिंग जो है स्विचेज ही नहीं करवाते, पैकेट जो है वो राउटर भी स्विच करवाते हैं, फॉरवर्ड करवाते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को, ये आपको नहीं रखनी है, ठीक है? तो इसलिए मैंने स्पेशली इसको मेंशन किया स्लाइड में, व्हाट इज फॉरवर्डिंग स्विचिंग। तो क्या राउटर फॉरवर्डिंग स्विचिंग करते हैं? तो यस, राउटर भी स्विचिंग करते हैं, पर वो लेयर 3 स्विचिंग होती है, ठीक। पर एक्चुअल में लेयर 2 में फॉरवर्डिंग करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं, आपके मैक एड्रेसेस के बेस पे। तो थोड़ा सा टर्म्स का ही गेम है इधर उधर, बाकी बुनियाद वही है, बेसिक बात वही है कि राउटर पहले रूट ढूंढेगा, मेरे पास किसी एक डेस्टिनेशन में जाने का रूट है, अगर है तो किस राउटर के, किस लिंक के थ्रू है, उन लिंक के फिर मैक एड्रेस चेक करके फिर एक्चुअली आपका फ्रेम फॉरवर्ड कर देता है एक पर्टिकुलर लिंक पे। OSI मॉडल अच्छे से पढ़ा है ना, तो इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। इसीलिए बोलते हैं नेटवर्किंग की पहली जो स्टेयर है, पहली सीढ़ी क्या है, वो OSI मॉडल ही है, सारी चीजें बुनियादी बातें उसी पे टिकी हुई है। अगली बात देखिए जरा क्या है हमारे पास। और वो आती है टाइप्स ऑफ फॉरवर्डिंग हमारे पास, कि 3 तरह की फॉरवर्डिंग हो सकती है। एक प्रोसेस स्विचिंग है, एक फास्ट स्विचिंग है, और एक सिस्को एक्सप्रेस स्विचिंग फॉरवर्डिंग है। एक्चुअली मैंने स्विचिंग लिख दिया, यहाँ पे फॉरवर्डिंग है। तो एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ तीनों के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इतना अगर आपको पता लग गया तो हमारे और आपके जो आगे आने वाले कोर्सेज है या आने वाले कॉन्सेप्ट है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है, ये आप समझ लीजिए। जो ट्रेडिशनली थे, जो बिल्कुल शुरू में राउटर्स आए थे, तो वो किस पे काम करते थे आपके, कौन सा लिखा था मैंने सबसे पहले, आपका प्रोसेस स्विचिंग, ठीक है? और उसके बाद फिर आपका किस पे काम किया, फास्ट प्रोसेस का समझ लेते हैं एक बार। इस राउटर के पास कोई पैकेट आया, ठीक है? अब ये पैकेट इसको आगे भेजना था दूसरे राउटर पे, और अल्टीमेटली फिर किसी रूट पे भेजना होगा, वही 40 वाला एग्जांपल ही मान के चल लो, ठीक है? इसका मैक एड्रेस था 0B, जहां से आया था उसका मैक एड्रेस था 0A, इस इंटरफेस का C है, इस इंटरफेस का D है, ठीक। जब भी राउटर कोई पैकेट रिसीव करता है तो डायरेक्टली वो अपनी राउटिंग टेबल कभी नहीं देखता है, ये चीज याद रखिएगा। उससे पहले वो कुछ और कैलकुलेशंस करता है, वो क्या है, वो देखेगा उस पैकेट की डिटेल्स सारी की सारी, और वो शुरू कर लेगा कहां से, आपके लेयर 3 के चेकसम से। एक चेकसम होता है लेयर 3 पे, वो ये मेक श्योर करता है कि एरर तो नहीं है इस पैकेट के अंदर कोई, ये आपका इंटीग्रल पैकेट है कि नहीं है बिल्कुल, ठीक। मैं कोई किसी तरह की सिक्योरिटी पैरामीटर्स तो ब्रेक नहीं हो रहे हैं मेरे, ठीक है? तो अगर वो सब कुछ सही है, जैसे लेयर 2 की बात करोगे ना, उसमें चेक होता है FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, इसमें क्या चलते हैं, चेकसम्स चलते हैं। तो अगर इनमें दिक्कत आती है, एरर आते हैं, तो वो पैकेट ड्रॉप कर दिया जाता है, इवन चाहे उस राउटर के पास उस रूट तक जाने का पाथ भी है, तब भी वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि ये इसको क्या मान बैठा है कि भाई ये मेरी सेहत के लिए, मेरे नेटवर्क के लिए हार्मफुल है, ठीक है? अब मान लिया चेकसम की रिपोर्ट ओके आ गई है, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक और चीज चेक करता है, वो क्या है, इसमें TTL,
और वो क्या है, टाइम टू लिव। टाइम टू लिव होता है आपका नेटवर्क में लूप रोकने के लिए। बाय डिफॉल्ट इसकी एक वैल्यू होती है 255। आप किसी भी पैकेट में क्लिक करिएगा, मेरे पिछले वाले वीडियोस को भी अगर आप देखेंगे उनमें भी टीटीएल कहीं ना कहीं लिखा होगा, वो भी 255 लिखा होगा। पीसी पे जाके पिंग लिखना google.com, उस पर भी आपको टीटीएल लिखा आएगा। तो हर जगह होता है टाइम टू लिव, और ये किस लिए होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। राउटर जब भी एक दूसरे को पैकेट भेजते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि नेटवर्क में कोई लूप नहीं है। लूप मतलब इसने इसको पैकेट भेज दिया, अब इसने इसको वापस भेज दिया, इसने फिर इसको भेज दिया, इसने फिर इसको वापस भेज दिया, मतलब इसको नहीं पता भाई आगे किधर भेजू मैं, डेस्टिनेशन क्या है। और इसको अब वापस नहीं भेजना क्योंकि ये क्या मान के चल रहा है कि मेरे डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता किसको पता है, इसको। तो ये इसको भेज रहा है, ये इसको कह रहा भाई मुझे नहीं पता, ये कह रहा कि नहीं तुझे ही पता है, मेरे को क्या पता और किसको पता है। ये ऐसा करता रहेगा करता रहेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये काइंड ऑफ ब्लैक होल आपकी जो बैंडविड्थ थी ना 10 Mbps 100 Mbps, ये पूरी को कंज्यूम कर जाएगी और बाकी कोई प्रोसेस आपका चलेगा ही नहीं नेटवर्क में। उसको बोलते हैं लूप, और वो जनरल है नहीं। आप ये मान लो वर्स्ट केस सिनेरियोज है, पर इन द केस कि आपके नेटवर्क में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो बाय डिफॉल्ट आईपी राउटिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं टाइम टू लीव। क्या हो रहा है उससे, जब इस वाले राउटर ने उसको पैकेट भेजा होगा तो उसमें टाइम टू लीव लगा के भेज दी वैल्यू, एक 8 बिट की होती है, 2 की पावर 8 करोगे 256, तो वैल्यू क्या है 0 से 255। तो शुरू में क्या लगा के भेज दी 255, इसने रिसीव किया इनबाउंड में 255, आउटबाउंड में क्या लगा दिया होगा 254, 1 माइनस कर दिया। तो हमेशा जब भी कोई राउटर पैकेट रिसीव करता है उसकी टीटीएल वैल्यू जो मिलती है और जब आगे भेजता है उसको -1 करके भेजता है। ये देखो इसने रिसीव किया 254, ये वापस भेजेगा तो -1 करके क्या भेज दिया 253, 253 रिसीव किया -1 करेगा 252, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब ये ऐसे पैकेट को रिसीव करेगा जिसकी टीटीएल वैल्यू क्या आ गई 1। ध्यान से सुनना, और टीटीएल वैल्यू 1 आते ही, और इसका डिफॉल्ट क्या था बिहेवियर कि भाई ये टीटीएल में से -1 करता था, अब 1 में से -1 करेगा वैल्यू क्या है टीटीएल की 0। और राउटर का ये एक सिद्धांत है कि जब भी उसकी टीटीएल वैल्यू 0 हो वो कहीं पे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 0 होते ही उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा और जो आपका एंड क्लाइंट था उसको एक मैसेज चला जाएगा किसी भी तरह का, जो आईसीएमपी का एरर मैसेज होगा, नॉट रीचेबल या जो भी है, ठीक है, कि आपका डेस्टिनेशन पे मैं नहीं पहुंचा सकता हूँ, सॉरी। अब सबसे पहले ये टीटीएल चेक करेगा आइडली, अगर आज जो आपको है ना ये इसी के अराउंड कोई वैल्यू मिलेगी, पर अगर इसके पास 1 है इनकमिंग इस मैसेज में टीटीएल, तब भी ये अपनी राउटिंग टेबल को नहीं चेक करने वाला है, तब ये 0 करके इसको वापस अनरीचेबल का मैसेज एरर मैसेज भेज देगा आईसीएमपी का। पर हमने मान लिया ये भी ओके था, टीटीएल भी ओके, एक से ज्यादा मतलब कम से कम 2, असल में 200 मैंने 50 मान लिया, ठीक। तब जाके कहीं ये क्या चेक करता है, आपकी राउटिंग टेबल को चेक करता है कि मेरे पास 40 तक जाने के लिए कोई रूट है, अच्छा है, तो वो कहाँ के लिए है कि आपको इस आईपी से जाना है। मान लो ये आईपी 30.1 था, ये 30.2 था, तो नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या यूज करो 30.2, और वो मैंने आपको आर्प का प्रोसेस बता ही दिया है। तो यहां से एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि जो शो आईपी रूट है वो आपको बताता है आपकी राउटिंग टेबल या आपकी क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस जो एक तरह से बोलते हैं FIB टेबल, है ना। तो ये आपको बता देगा किसके थ्रू भेजना है, इस वाली आईपी के थ्रू 30.2 के थ्रू। एक और टेबल बनती है आपकी कौन सी, शो आर्प या शो आईपी आर्प। इसमें क्या पता चलता था, अच्छा इस आईपी से भेजना था, क्या मेरे पास इसका मैक है, मतलब हो क्या रहा है जो इनबाउंड में पैकेट आया था उसको ये क्या कर रहा है ब्रेक, और एक नया पैकेट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है या फिर इनकैप्सुलेट कर रहा है, ठीक। उसकी लेयर 3 की इंफॉर्मेशन नहीं बदलेगी एक्सेप्ट टीटीएल वैल्यू, टीटीएल वैल्यू बदल जाएगी, रिसीव किया था 250 पे तो टीटीएल वैल्यू अगली कितनी हो जाएगी 200, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ सॉरी, यहाँ पे 249 आ जाएगा, ठीक है। और अब मैक एड्रेस में लेयर 2 पूरा का पूरा दोबारा बनता है, ये चीज आप याद रखिए, फ्रेम हमेशा ब्रेक होगा पुराने वाला और नया बनेगा, उसमें सोर्स मैक ये लगा आ रहा था ये नहीं लगेगा, कौन सा लग जाएगा अब ये 0C, डेस्टिनेशन मैक ये लगा रहा था इसके इस इंटरफेस का तो अब कौन सा लगेगा ये वाला। तो ये सारा काम होता है आपका हर एक पैकेट के बेस पे, इसके अंदर आपकी जो सबसे पुरानी स्विचिंग है प्रोसेस स्विचिंग के अंदर। और दूसरा पैकेट कोई आया उसमें भी यही सारी चीजें होंगी, तीसरा पैकेट आया उसमें भी यही सारी चीजें चेक करेगा, फिर इधर पैकेट आया ये राउटर सेम प्रोसेस रिपीट करेगा। तो ये ना बहुत स्लो स्विचिंग है, आप देखोगे बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, क्योंकि हर एक पैकेट के लिए पहले ये चेक करना इसका है कि नहीं आपके पास मैक एड्रेस, फिर उसका मैक एड्रेस टेबल फाइंड करना, फिर आपका शो आर्प करना कि उसके अंदर आर्प की टेबल ढूंढना, फिर मैक एड्रेस ढूंढ के उसके फ्रेम में लगाना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक। उससे बचने के लिए फिर एक और मेथड ले आए ये लोग, वो मेथड कौन सा था आपका, फास्ट स्विचिंग। फास्ट
फास्ट स्विचिंग क्या करता है कि भाई आपकी जैसे कंप्यूटर में ना कैश मेमोरी होती है, लैपटॉप में कैश मेमोरी होती है, कि एक तरह के जो आपके फ्रीक्वेंट काम हो रहे होंगे, मान लो आपको इस वाले क्लाइंट से हमेशा जाना पड़ रहा है 40 वाले सर्वर तक, तो आपके राउटर के पास जब रिक्वेस्ट आई होगी, इसको पता है कि बार बार कहाँ जाना पड़ रहा है 40 वाले में, तो ये उसकी टेबल को स्टोर कर लेगा, उसकी मैक एड्रेस टेबल को, कुछ टाइम के लिए कैश मेमोरी में पड़ा रहता है, जो मैंने दिखाया था ना आपको शो आर्प, तो उसकी कैश मेमोरी में पड़ा है, तो जब तक राउटर ऑन है उसकी मेमोरी से आई थिंक 5-10 मिनट के बाद वो हटता है। तो जो भी फ्रीक्वेंट वाली एक्सेस है उनका आपको बार बार मैक एड्रेस नहीं ढूंढना पड़ रहा। पहले देखो ये चीज समझो, बिल्कुल पहले ये कोई टेबल शो आर्प ये बनती ही नहीं थी, इसकी आर्प की टेबल में कुछ मिलता ही नहीं था, जब भी कोई पैकेट आया उसी टाइम आपको मैक एड्रेस ढूंढना पड़ता था, पर अभी क्या हो रहा है टेबल्स बन रही है, कुछ टाइम के लिए आपके पास डेटा स्टोर है, तो उस वजह से बहुत हेल्प मिलती है आपको इसको प्रोसेस को फास्ट करने में। फिर और एक और ट्रेडिशनल से भी हटके और आपकी फास्ट वाली से भी हटके बहुत रेवोल्यूशनरी आई जो आजकल हर एक सिस्को डिवाइस यूज करता है ऑलमोस्ट, वो है सेफ, और इसने आपकी फॉरवर्डिंग को आपकी स्विचिंग को कर दिया है बहुत सुपर फास्ट। सेफ में क्या चलता है, देखो सेफ में होता ये है कि जो टेबल आपकी अलग अलग बनती थी, आईपी राउटिंग कब बनी, जब आपने चलाई होगी कोई ओएसपीएफ वगैरह ये टेबल बन गई, और आर्प टेबल कब बनती थी, जब आप एक्चुअली कोई डेटा फॉरवर्ड करने की रिक्वेस्ट राउटर के पास आती थी तभी वो आर्प वगैरह जनरेट करके वो टेबल बनाता था। पर इसकी क्या ब्यूटी है सेफ की, जब आपने राउटिंग चलाई होगी ना ये उसी टाइम पे उस राउटिंग के साथ साथ ना एक आर्प टेबल और बना देता है, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि यार इस राउटर को अगर 40 तक जाना है तो इस राउटर से जाना पड़ेगा, तो वो इसका मैक एड्रेस ना पहले ही अपनी एक टेबल में डाल के रख लेगा। ये क्या बोलेगा, अच्छा इसको एक और राउटर के थ्रू 50 तक जाना पड़ सकता है, तो इस वाले मैक एड्रेस, इस वाले जो आईपी की मैक था वो भी इसकी टेबल में रख लेगा। तो मान लो इसकी आईपी थी 30.5, इसकी आईपी थी 40.2, तो 30.5 का जो मैक है वो भी स्टोर कर लेगा और 40.2 का जो मैक है, तो मतलब क्या हुआ इसको कोई टेबल लुकअप करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्टली ये अपने पैकेट और फ्रेम इनकैप्सुलेट करके कंस्ट्रक्ट करके डायरेक्टली आगे भेज देंगे। बहुत फास्ट है, बहुत कम टाइम लगता है, और ये आपकी क्या है एक तरह से बोलते हैं ना जो प्रोएक्टिव है, जब रिक्वेस्ट आएगी तभी नहीं बनती, पहले से ही बनी बनाई रहती है और आप इनको बस फटाफट फटाफट यूज करते चलो। तो ये बहुत एमपीएलएस वगैरह है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो सेफ के बिना चल ही नहीं सकती, ठीक है। तो बहुत सारी बातें इसके रिगार्डिंग आने वाले किसी वीडियो में, या फिर कोई टेक्नोलॉजी होगी कोई कोर्स होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप कहेंगे कि सर बोलते बहुत हैं और इस पे है क्या मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग, हाँ ये है, यहाँ पे आप जाओगे ना राउटर पे और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इनेबल है कि नहीं, सेफ शो आईपी सेफ, आप देखिए जितनी भी आपके पास डेस्टिनेशंस हैं नेक्स्ट स्टॉप्स हैं सबके मैक एड्रेसेस आपने मतलब उनकी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वाली बात होती है जी आपके सेफ और इन सब स्विचिंग मैकेनिज्म्स के बारे में।